हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पीएफ पासबुक कैसे चेक करते हैं, यानी कि हम अपना पीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड करें। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग अपना पीएफ अकाउंट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कैसे डाउनलोड करें या कैसे देखें। तो वो दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे उनसे पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए काफ़ी पैसे ले लिया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप मोबाइल से ही अपना पीएफ अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपना पीएफ अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए, यानी कि आपका पीएफ में कितना बैलेंस है वो चेक करने के लिए, सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र। तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे इस जगह पे हम लिखेंगे, इस जगह पे हम टाइप करेंगे पीएफ पासबुक लिख के सर्च पे क्लिक कर देंगे। ये जो पहला लिंक सामने दिखाई देगा, आप बस इस पे क्लिक करेंगे पहले लिंक पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपको इस जगह पे यूएन नंबर आपका जो भी होगा वो टाइप करना है, और इस जगह पे यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद इस जगह पे आपको जो ये कैप्चा कोड दिखाई देगा, यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो जैसा लिखा है वैसा यहाँ पे लिख के साइन इन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। ये देखिए, यूएन नंबर और पासवर्ड मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पे अब कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड जो जैसा लिखा, जो कैपिटल में लिखा वो कैपिटल में लिखेंगे, जो स्मॉल में वो स्मॉल में। ठीक है, ये सब चीज़ हमने डाल लिया है। तो अब ये साइन इन वाला ऑप्शन जो है हमारा, इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो साइन इन कर देंगे। अगर दोस्तों, अगर आपका यूएन नंबर और पासवर्ड नहीं पता है, आपने कभी बनाया नहीं है, कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे यू अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करते हैं और उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो अभी हम पासबुक चेक करने के लिए साइन इन कर लेते हैं। ये साइन इन पर क्लिक किया हमने, उसके बाद हमारा पासबुक खुलने वाला है। ये हमारा पासबुक खुल के आ गया। तो यहाँ पे आप शो हो रहा है कि कितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है, पीएफ बैलेंस कितना है। तो टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ये आप देख पाएंगे, टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 44,299 रुपये, यानी कि अभी तक मेरा टोटल 44,299 रुपये जमा हुआ है। और यहाँ पे दो तरह का दिखा रहा है, ये एक ग्राफ शो होगा, ये आपको दिखाई देगा, ये एक तरह का ग्राफ शो हो रहा है। यहाँ पे ये जो पिंक कलर से शो हो रहा है ये एम्प्लॉय शेयर है, और ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है ये एम्प्लॉयर शेयर है। तो मेरा एम्प्लॉय शेयर जो है वो है 30,000 एम्प्लॉय शेयर, यानी कि मेरा जो पैसा कटा है वो जमा हुआ है 30,935 रुपये, और जो मेरा कंपनी जमा किया है उसका, वो जो हमारी कंपनी जमा करती है वो है 13,364 रुपये। तो ये टोटल दोनों मिला के यहाँ पर शो होता है, ये दोनों मिला के यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ये आपको दिखाएगा कि आप करंटली किस कंपनी में काम करें जिसका पीएफ जमा हो रहा है। तो ये कंपनी नेम शो हो रहा है, ये कंपनी का आईडी शो हो रहा है, और ये आपका मेंबर आईडी इस कंपनी द्वारा जो मिला है वो, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आपका पीएफ यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हुआ, और ये आपका यहाँ पे टोटल कितना साल हो गया एक्सपीरियंस शो होता है, कि आपका आप कौन कौन से कंपनी में जॉब किए हो और कहाँ कहाँ का पीएफ आपके में जमा हुआ है। तो इस पे जस्ट क्लिक कर दें और ये आपका खुल के आ जाएगा कंपनी का हिस्ट्री। ये जितने भी कंपनियाँ आपने, जिन जिन कंपनियों में आपने जॉब किया है और पीएफ कटा है, तो उन सब का यहाँ पे दिखाई देगा, सब चीज़ पूरा डाटा दिखाई देगा, आपने कौन कौन से जगह पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे पासबुक देख पा रहे हैं, फिर पासबुक लिखा है, इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे पासबुक। तो पासबुक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है।
जिसमें आपका अभी जो जिस करंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे शो होगा कि कितना कौन कौन से महीने में कितना कितना जमा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मंथ दिखा रहा है, मार्च 2023 में जमा हुआ है, अप्रैल में हुआ है, मई में हुआ है, जून में हुआ है, जुलाई में हुआ है। और यहाँ पे ये एम्प्लॉई शेयर है, 12% एम्प्लॉई शेयर होता है, और ये एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर 3.67% होता है। जैसे कि 1800 मेरा कटता है यहाँ पे, और 550 कंपनी वाले जमा करते हैं, और 1250 जो कंपनी वाले जमा करते हैं ये पेंशन में जाता है। तो कम एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों बराबर होता है, लेकिन क्या होता है एम्प्लॉयर शेयर का 3.6567% आपके उसमें अकाउंट में आता है, और 8.33% आपके पेंशन में जमा होता है। तो ये जो पेंशन में आपका जमा होगा, ये जो दिखाई देगा 13,750, ये अभी आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो अमाउंट दिखाई देगा 9,883 और ये 6,107, ये दोनों पैसे आप निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। तो इस तरह से आप ये अपना पासबुक देख सकते हैं, और चाहें तो आप अपना पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड एज PDF लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पासबुक आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरह का दिखाई देगा। तो ये आपका देखिए पासबुक डाउनलोड हो चुका है, तो इस तरह का आता है। देखना चाहते हो कि किसी दूसरे कंपनी में जिस इससे पहले आप जिसमें काम किए उसका पैसा जमा हुआ कि नहीं, तो इस जगह पे आप सेलेक्ट मेंबर आईडी लिखा हुआ है, इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसका देखना चाहते हैं। तो आपने अभी तक जिस जगह पे जितने भी कंपनियों में जॉब किए हैं उन सब का यहाँ पे आपको शो होगा। इस पे क्लिक करने पे ये सारे शो हो गए जिस जिस कंपनी में आपने जॉब किया उन सब का। तो एक एक पे क्लिक करके आप शो देख सकते हैं कि कितना कितना जमा हुआ है। तो चलिए हमने इसका तो देख लिया, अब इस पे क्लिक करके इसका शो देखते हैं। तो इस पे टोटल जमा हुआ है जो हमारा इसमें पैसा 12,864 रुपये, ठीक है। तो ये 2022 में जमा हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में, तो इस तरह से आप अपना पासबुक देख सकते हैं। इस पे होम पे आ जाते हैं फिर से। तो समझ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, और इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि लास्ट मंथ में आपका पैसा जमा हुआ है PF का या नहीं हुआ है, ठीक है। आपने अपना UN नंबर एक्टिवेट नहीं किया है, तो UN एक्टिवेट कैसे करते हैं ये जानने के लिए ये बताने के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि इस पे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाएं कि नहीं बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।